अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने से चारों शंकराचार्य ने साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने जहां प्राण प्रतिष्ठा में परंपराओं का पालन ना होने का आरोप लगाया है, वहीं ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने निर्माण पूरा ना होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने बुधवार यानी कि 17 जनवरी को कहा है कि मंदिर का अभी सिर बना नहीं है, सिर्फ धड़ बना है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, हमारा प्रोटोकॉल जो परंपरा के तहत मिला है उसे छीन लिया गया है। आप दलाई लामा को प्रोटोकॉल देते हैं जो हिंदू धर्म के गुरु नहीं हैं। राम मंदिर में आप शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं, आप दलाई लामा को बुलाते हैं, ये क्या है? दलाई लामा कैसे हिंदू धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? आप दलाई लामा को महत्व देते हैं लेकिन शंकराचार्य को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आपके महत्व देने से शंकराचार्य का महत्व कम नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य का महत्व अपनी जगह पर है, वो सनातन धर्म को मानने वाले गुरु हैं और हमेशा बने रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ उतारा जा रहा था उम्मीदवार। आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वर स्वामी सरस्वती ने पुराने बयानों का जिक्र कर दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर नाराज हैं। इस पर अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने कहा, 2019 में हमने इनके खिलाफ यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा किया था, लेकिन ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये काशी कॉरिडोर बनवा रहे थे। कॉरिडोर के नाम पर लगभग 150 मंदिर तोड़ दिए गए थे, तोड़ ही नहीं दिया गया था, उन्हें मलबे में फेंक भी दिया गया था। ये मंदिर करीबन 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। ये मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े हुए थे। हमें अच्छा नहीं लगा, हमें लगा कि हम औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते थे, अब यही काम हमारा भाई हमारी बहन कर रहा है तो हम इसे कैसे निर्दोष मान लें। जो मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके खिलाफ नफरत है, वही उनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते थे कि ये बात जनता तक पहुँचे, इसलिए हमने एक उम्मीदवार उनके खिलाफ कर दिया था, लेकिन उनके नामांकन को बिना गलती के खारिज कर दिया गया था। हिंदुओं को पटरी से उतारा जा रहा है, ऐसा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद का कहना है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद ने कहा, अब क्या हो रहा है कि वे शास्त्रों को नहीं माना जा रहा है, गुरुओं को नहीं माना जा रहा है, हमारे नेता ही सब कुछ हैं, ये भगवान बनकर हिंदुओं को पटरी से उतारा जा रहा है, अब इसका क्या घाटा हो सकता है? अगर हम राजा को प्रतीक मान लें तो राजा के साथ हर समय युद्ध होता ही रहता है, उसके शत्रु भी होते हैं। अगर किसी समय किसी वजह से राजा पराजित हो जाता है तो हिंदू कहा जाता है। हिंदू तो पराजित हो जाएगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यही तरीका अपनाया था, हम खुद को राजा में समाहित नहीं करेंगे, राजा भी हमारा अंग है लेकिन हम अपने जीवन में धर्म को उतारेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो पद्धति बन गई है कि नेता के सर्कुलर को मानने वही हिंदू है, तो ये सही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।